तो गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप 2024-25 में जीरोधा में डीमैट अकाउंट को कैसे क्लोज करेंगे, डीमैट अकाउंट क्लोज करने का क्या प्रोसेस है। देखिए डीमैट अकाउंट क्लोज करने का आपका कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे कि आपने किसी अदर ब्रोकर में अकाउंट ओपन कर लिया है, या फिर इसमें आप लोगों को ब्रोकरेज चार्जेस ज़्यादा लग रहे हैं, या फिर किसी अन्य तरीके का आपके साथ अगर प्रॉब्लम आ रहा है तभी आप इस डीमैट अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं। तो बेसिकली क्लोज करते समय आप लोगों को किन किन चीज़ों को ध्यान में रख करके क्लोज करना है इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो डीमैट अकाउंट क्लोज करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपना जो है कि जीरोधा का काइट एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पर जो आप लोगों को ऑप्शन शो करता है सिंपली अकाउंट का, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा जहां पर आप लोगों के सामने कई ऑप्शन आते हैं, जैसे ऐप कोड हो गया, प्रोफाइल हो गया, सेटिंग हो गया, कनेक्टेड ऐप्स हो गया, लॉगआउट हो गया। यहां पर आप लोगों को सिंपली यहां पर कंसोल दिख रहा है, ठीक है, सिंपली कंसोल आप लोग दिख रहा होगा आप लोगों को। सिंपली यहां पर जो कंसोल वाला आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा है सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका कंसोल ओपन होकर के आ जाएगा जिसमें आप लोग को कुछ यहाँ पर इस तरीके से डेटा शो कर किया जाता है। ठीक, कंसोल में ही आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 लाइन मिला हुआ है, ठीक है, ये 3 डॉट नहीं 3 लाइन, ठीक है। सिंपली इस 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा जिसमें आपका माय अकाउंट डैशबोर्ड हो गया, पोर्टफोलियो होगा, इस तरीके से आप लोग का डिटेल यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद सिंपली माय अकाउंट जो लिखा हुआ है सिंपली माय अकाउंट पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका यहाँ पर ये पर्सनल डिटेल आप लोग का शो करने लगेगा, जैसे ही KYC नंबर वगैरह सब कुछ शो करने लगेगा सिंपली नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर पर्सनल के जस्ट ऊपर ही इस तरीके का एक एरो बन करके आएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिंपली इस एरो पर क्लिक करेंगे इस पर, ठीक है। जैसे ही इस नीले वाले एरो पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके पास पर्सनल में यहाँ पर 4-5 ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें नॉमिनी लिखा रहता है, बैंक लिखा रहता है, डीमिट लिखा रहता है, सेगमेंट लिखा रहता है। सिंपली सेगमेंट पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। सेगमेंट पर क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोग जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा अकाउंट क्लोजर का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अकाउंट क्लोजर लिखा हुआ है, अकाउंट क्लोजर ई परमानेंट एंड ई रिवर्सिबल, ठीक है, प्लीज रीड दिस बिफोर प्रोसीडिंग। यानी कि देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो आपका डीमैट अकाउंट है ये हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अगर एक बार आप इसे क्लोज करते हैं तो दोबारा से आप इस अकाउंट को दोबारा से ओपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसे सिंपली अगर आप लोग को क्लोज करना है तो आप लोग सोच समझ करके ही क्लोज करें, नहीं तो अगर आप एक बार क्लोज कर देते हैं तो आप अपने पैन कार्ड से, अपने आधार कार्ड से दोबारा से जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये इरिवर्सिबल है, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। परमानेंट आपका क्लोज हो जाएगा, परमानेंट आपका डिलीट हो जाएगा अकाउंट, ठीक है। तो आप लोग अगर वास्तव में ट्रेडिंग करना नहीं चाहते हैं जीरोधा के साथ, ठीक है, और फ्यूचर में करना नहीं चाहते हैं तो सिंपली क्लोजर अकाउंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके सामने रीजन पूछता है कि आप क्यों क्लोज करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर कई रीजन दे सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयर पॉलिसी हो गया, लॉसेस इन ट्रेडिंग हो गया, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो गया, ठीक है, या फिर अनहैप्पी विद जीरोधा हो गया, अदर हो गया, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका सिलेक्शन रेटिंग जो है कि तय करेगा जीरोधा को अपने सर्विस को इम्प्रूव करने में, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों से एडिशनल फीडबैक मांगा जाता है जिसमें आप लोग लिख सकते हैं कि आखिर आप जो है कि क्यों क्लोज करना चाहते हैं डीमैट अकाउंट को, यहाँ पर आप लोग फिलअप कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद सिंपली कंटिन्यू का जो आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा है सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए आएगा, तो दोनों पर क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपके सामने इस तरीके से अकाउंट क्लोजर का फॉर्म ओपन हो जाएगा जीरोधा का। इसके बाद सिंपली यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ई साइन करने के लिए, देखिए आपको आधार OTP के माध्यम से इसे ई साइन करना होगा कि हाँ वास्तव में आप जो है कि अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये ऑनलाइन प्रोसेस है, आप को जो है कि कोई भी कागजी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपली ई साइन पर क्लिक करेंगे और आधार नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद सिंपली यहां पर कंसेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद 12 अंकों का अपना आधार नंबर डालेंगे। इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। इसके बाद OTP यहां पर फिलअप कर देंगे। यहां पर OTP आएगा जो नंबर आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड होगा, ठीक है, और या फिर ईमेल पर भी आएगा जो ईमेल आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। सिंपली OTP यहां पर फिलअप करेंगे। इसके बाद वेरीफाई एंड ई साइन पर सिंपली क्लिक करेंगे।
यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ओटीपी फिलअप करते हैं तो डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली लिखा हुआ है, लिखा है डू नॉट क्लोज द विंडो यू विल बी रीडायरेक्टेड। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को कुछ भी टच नहीं करना है, नहीं रिफ्रेश करना है, ये डायरेक्टली जो है कि रिफ्रेश रीडायरेक्ट कर देगा आपको जो है कि अप्लीकेशन में जहाँ पर आप क्लोज करना चाहते हैं। इसके बाद इस तरीके से अपडेट का भी ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद जो आपका डीमेट अकाउंट है ये क्लोज हो जाएगा, इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग डीमेट अकाउंट बहुत ही आसानी से क्लोज कर सकते हैं।